जयराम ठाकुर ने कहा है कि मंडी जिला को विकास के मामले में जलील करने का खामियाजा कांग्रेस को इन लोकसभा चुनावों में भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय में मंडी जिला में जो विकास के काम शुरू किए गए थे उन्हें इस सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेसी किस मुंह से लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। मंडी में जयराम ठाकुर पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। काम हमने प्रोजेक्ट पर शुरू किया था, कांग्रेस की सरकार ने वो सारे के सारे प्रोजेक्ट बंद किए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ किस मुंह से जाएंगे कांग्रेस के नेता लोगों के बीच में मंडी में, मंडी लोकसभा क्षेत्र में। इससे पहले जयराम ठाकुर हृदयवासी मंदिर में जारी श्रीमद् भागवत कथा में शरीक हुए और कथा का श्रवण किया। ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा मंडी को दी गई यूनिवर्सिटी को आज बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिव धाम का काम पूरी तरह से रोक दिया गया है, बल में प्रस्तावित एयरपोर्ट की सारी क्लियरेंस होने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी महाविद्यालय के भवन के काम को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन सब बातों को लेकर मंडी की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। मंडी लोकसभा क्षेत्र में जहां यूनिवर्सिटी दी गई थी और उस यूनिवर्सिटी को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए, शिवधाम दिया गया मंडी के लिए, उस शिवधाम को 15 महीने से बंद करके रखा हुआ जिसका काम अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था, 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है उसको बंद करके रखा है। क्या हुआ उस एयरपोर्ट की जिसकी हमने सारी क्लियरेंसेज, टेक्निकल क्लियरेंसेज कर ली, लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस होना था वो क्यों बंद पड़ा है, ये सारे प्रश्न हैं। डिग्री कॉलेज मंडी की बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के लिए हमने 27-28 करोड़ रुपए दे करके उसको स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, लेकिन 15 महीने से सरकार कांग्रेस की बनी, जब से बनी है उसका काम रुका पड़ा हुआ है। अब उसकी शुरुआत करने की दृष्टि से अब कहा कि उसको पूरा करना है, अब पूरा करना चाहिए था, अभी तक पूरा होना चाहिए था। आखिरकार मंडी को जितना जलील किया है कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने, जितना विकास की दृष्टि से पीछे करने की कोशिश की, सारे काम बंद किए हुए हैं, इसका खामियाजा अब की बार इस लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये हमारा संकल्प है, हम आने वाले समय में इस दिशा में आगे बढ़कर के काम करना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, और वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा एक विजन है। लाखों करोड़ रुपए इस देश का चुनाव के आयोजन में ही खर्च हो जाता है और 5 साल तक चुनाव होते ही रहते हैं, कभी किसी राज्य के, किसी लोकसभा, कभी किसी विधानसभा के उपचुनाव की बात आती है, इस तरह से ये अलग अलग राज्यों के चुनाव अलग अलग समय में होते हैं, तो इस कारण से ये भी एक बहुत बड़ा एक उसमें एक विज़न दिया गया है कि उस पर हमको काम करने की आवश्यकता है, और जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी ने कही है बात, उनका कहना ही होगा, वो कहेंगे, वो तो यही कहते रहेंगे, लेकिन एक बात सत्य है कि जो डॉक्यूमेंट जो अभी जो हमने अपना संकल्प पत्र के रूप में जो प्रस्तुत किया है उसमें कोई इस प्रकार की घोषणा नहीं की गई है, और मोदी जी ने एक ही बात की है जिसको देश ने भरोसे के साथ स्वीकार किया है कि मोदी जी की गारंटी का मतलब काम पूरा होने की गारंटी, यही मुझे कहना है।